हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि में किए जाने वाले तीन ऐसे महा उपायों के बारे में जो साल भर आपको धन धान्य से परिपूर्ण रखेंगे, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साल 2022 में चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल शनिवार से शुरू हो रही है। इसी दिन प्रतिपदा तिथि में घट स्थापना की जाएगी। इस बार के नवरात्रि 9 दिनों के होंगे। घट या कलश स्थापना के दिन अमृत योग रहेगा, जो दुर्गा माँ की पूजा के लिए बहुत ही शुभ योग और अमृत फल प्रदान करने वाला योग होगा। इस साल माँ घोड़े पर सवार होकर आएंगी। शास्त्रों में नवरात्रि के इन 9 शुभ दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें यदि आप कर लेते हैं तो साल भर आपके धन धान्य में वृद्धि होगी और माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आइए जानते हैं यह महा उपाय क्या है। पहला उपाय, उन्नति के लिए। घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ही शुभ होता है और अगर यही पौधा नवरात्रि के दौरान घर में लगाया जाए तो और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। अगर पहले से ही घर में तुलसी का पौधा लगा है तो आपको नवरात्रि के किसी भी दिन एक सिक्का लेकर अपनी मन्नत मांगते हुए इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में डाल दें। मान्यता है कि इससे आपकी उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होते हैं, जीवन में सफलता मिलती है। दूसरा उपाय, धन प्राप्ति के लिए। यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता या आपके जीवन में धन संबंधी कोई परेशानी आ रही है तो नवरात्रि के किसी भी दिन दुर्गा माँ की पूजा के दौरान एक पान के पत्ते पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ और सुपारी रखकर माँ को अर्पित कर दें। इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। मनोकामना पूर्ति महा उपाय। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और मेन गेट पर एक बर्तन में पानी भरकर उसमें लाल पीले पुष्प डालकर पूर्व या उत्तर दिशा में रख दें। अब कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर माँ शैलपुत्री को शुद्ध घी अर्पण करें। मान्यता है कि इस उपाय से माँ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। जय माता दी।